जो ये कृत्य हुआ है, ये जो घटना हुई है, ये केवल एक महिला का बलात्कार नहीं है, ये बलात्कार है पूरी मानव जाति का, ये बलात्कार है पूरी इंसानियत का। आज अगर आप देखें, इससे पहले भी कितनी घटनाएं हुई है, हमने आए हैं, कैंडल लगाई है, इसी प्रकार से कितने कुछ किया। निर्भया कांड हो गया, आसिफा का हो गया, ट्विंकल शर्मा का हो गया, 8-8, 7-7 साल की बच्चियां नहीं बख्शी जा रही, 8-8 साल की बच्चियां जो होती है उनका भी रेप किया जा रहा है। अब ये कोई किसको कैसे समझाए कि बलात्कार किसी के कपड़ों से नहीं, जो मानसिकता है, ये जो मानसिकता है इसके कारण होती है, एक छोटी सी मानसिकता भी बलात्कार का कारण है। आज संसद में कितनी बातें होती है, संसद तक भी ये बात पहुंची। हम गवर्नमेंट से कहना चाहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, हम हर बार बलात्कार के पश्चात इस तरह से फोटो लगाते हैं, कैंडल लगाते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और अगले दिन सब अपने घर चले जाते हैं। लेकिन किसी को आगे क्या हुआ, किसके साथ आगे क्या हुआ, उन दोषियों को पकड़कर फांसी पर चढ़ाया गया कि नहीं चढ़ाया गया, ये किसे नहीं पता होता। हमारे देश में बलात्कार के लिए सजा कितनी होती है, ज्यादा से ज्यादा 7 साल। जिसका बलात्कार होता है वो जीवन भर भुगतती है, जिसका बलात्कार होता है वो जीवन भर सहती है। क्या 7 वर्ष उस दानव के लिए पर्याप्त है, क्या काफी है 7 वर्ष, ताकि वो 7 वर्ष बाद फिर से छूटे और फिर एक और महिला का शिकार करे? क्या ये हम समाज अपनी आने वाली पीढ़ियों को छोड़ के जाएंगे? अब बस बहुत हुआ। मैं आप सबसे ये विनती करता हूं कि जितने भी लोग यहां पर सुन रहे हैं, आपसे जिस प्रकार भी होता है, जहां पर भी होता है, आप कोशिश करिए कि आप सरकार के कानों में ये बातें डालें कि हमें अब फांसी की सजा चाहिए बलात्कार के विरुद्ध। यहां पे बस रख दो, रख दो। ये 7 साल का सजा बहुत हो गई, और थोड़ी देर बहुत हो गया, हमने जस्टिस के लिए मार्च कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, अब एक्शन का समय है, हम सबको एक्शन लेना होगा। अगर आज हमने एक्शन नहीं लिया तो बलात्कारी आज खुलेआम घूम रहे हैं, इस प्रकार की महिलाएं डर डर कर घूम रही है, एक सुरक्षित माहौल नहीं है, एक सुरक्षित माहौल में हमारी महिलाएं रह नहीं पा रही है। इस प्रकार के 7 साल के बाद ये जेल से छूट जाते हैं और ये फिर से हमें खुला छोड़ देते हैं कि ये जाए एक और का शिकार करे। क्या हम ये चाहते हैं भारत में? क्या इस प्रकार की भारत की जनता है कि वो इस प्रकार से बलात्कारों के लिए चुप बैठे रहेंगे? हम कितना चुप बैठे, निर्भया का समय हुआ, आज 7 वर्ष हो गए, 16 दिसंबर को 7 वर्ष हो जाएंगे, 7 वर्ष के बाद भी निर्भया के दोषियों को फांसी पर नहीं टंगाया गया, ये क्यों है? हम चुप हैं इस वजह से। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप जितना भी कोशिश कर सकते हैं उतनी सरकार के ऊपर दबाव बनाएं, सोशल मीडिया पे बनाएं, जिस तरह से आप बना सकते हैं बनाइए, क्योंकि जब तक फांसी की सजा नहीं होगी कोई नहीं डरेगा। चालान के नाम पे आपने डरा दिया लोगों को, लोगों ने हेलमेट पहन लिया, लोग अपनी सुरक्षा पे डर गए। कभी फांसी के नाम पर भी उन बलात्कारियों को डरा के दिखाइए, क्या पता रेप भी रुक जाए। आज कानून का उल्लंघन रुका है, कल फांसी भी रुकेगी, कल इस वजह से फांसी होगी तो बलात्कार भी रुकेंगे। आज हम ये सहते सहते आए, निर्भया हुई, आसिफा हुई, ट्विंकल शर्मा हुई, और आज हैदराबाद में प्रियंका रेड्डी। हम इस प्रकार से आते हैं, ये करके जाते हैं और अपने घर चले जाते हैं, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आप सबसे जानना चाहता हूं कि अब आगे क्या, आज प्रियंका रेड्डी शिकार हुई है, अगर हमने आज सरकार के ऊपर दबाव नहीं बनाया, आज सरकार को नहीं बोला, तो कल प्रियंका रेड्डी जैसी और बहनें उनका शिकार होंगी। क्या आपके घर पे महिलाएं नहीं है? क्या आप नहीं चाहते कि आपकी घर की महिला सुरक्षित रहे? तो अभी के अभी आपसे जितना प्रयास होता है, आप सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि नहीं, 7 वर्ष पर्याप्त नहीं है, 7 वर्ष बिल्कुल पर्याप्त नहीं है, एक बच्ची को नोचा गया है, वो 7 साल एक काल कोठरी में काट कर आ गया और फिर से दूसरी को शिकार बनाया, क्या ये कानून है? सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो सदन में लगाने से कुछ नहीं होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों को भी लाना पड़ेगा। आज छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो भारत सोचा था, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और कई सारे क्रांतिकारी जिन्होंने जैसा भारत सोचा था, क्या आज हम उस भारत में हैं? क्या आपको नहीं लगता है जो शहीद हुए हैं उनका जो बलिदान था, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, उनका बलिदान आज व्यर्थ जा रहा है? ये क्या हो रहा है? छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना पूरा जीवन लगा दिया कि हमारे देश में स्वराज्य आए और महिलाएं खुली घूम सके। उनके राज्य में बलात्कार की सजा जानते हैं आप? उनके राज में बलात्कार की सजा होती थी कि जो बलात्कार करता था
उसको मंदिर के सामने टांग दिया जाता था और लोग चप्पल मार के जाते थे। उसे तब तक चप्पल मारी जाती थी जब तक उसका शर्म से सर ना झुक जाए, और फिर उसे मृत्यु दंड दिया जाता था। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगाने से बस हो जाएगा? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच को हमारे समाज में, हमारे देश में लागू करना आवश्यक नहीं है? हमने सदन में बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लगा ली, छत्रपति शिवाजी महाराज की फोटो लगा ली, लेकिन क्या हम इन महापुरुषों के विचारों को आज फॉलो कर रहे हैं? अनुयायी बन रहे हैं उनके? आज प्रियंका रेड्डी जी हुई है शिकार, कल कोई और होगी। और प्रियंका रेड्डी जी के बारे में आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इतना ही नहीं, तमिलनाडु में रोजा भी शिकार हुआ, रांची में एक वकालत पढ़ने वाली लड़की भी इसका शिकार हुई, लॉ स्टूडेंट ही, उसका गैंग रेप किया गया। और जब हमारे देश में ट्विटर पर ट्रेंड करा था ना हैशटैग प्रियंका रेड्डी को जस्टिस दो ये सब, तब उसी दौरान राजस्थान में भी चुरू में बलात्कार हो रहा था एक 7 साल की बच्ची का। एक 7 साल की बच्ची कितनी होती है? 7 साल की बच्ची जिसे कुछ पता भी नहीं होता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके साथ बलात्कार किया गया, उसके साथ रेप किया गया, और ये तब जब हम जस्टिस फॉर प्रियंका रेड्डी चिल्ला रहे थे। क्या इतना चिल्लाने से उन अपराधियों को सजा मिल जाएगी? क्या आपको लगता है इतना पर्याप्त है? जिस दर्द से वो महिला गुजरती जब उसका बलात्कार होता है, जिस दर्द से वो गुजरती है, क्या उतना दर्द उस पापी को नहीं मिलना चाहिए, उस दैत्य उस दानव को नहीं मिलना चाहिए? क्या बस 7 साल की सजा पर्याप्त है? मैं आप सबके जमीर से पूछना चाहता हूँ, आपकी अंतरात्मा है, क्या आप समझते हैं 7 साल पर्याप्त है? प्रियंका रेड्डी जी के बाद और 4-5 घटनाएं होगी, और हमारे देश में ये शर्म की बात है कि हर 14 मिनट में एक बलात्कार हो। अब जब तक मैं बात कर रहा हूँ किसी और का हमारे देश में बलात्कार हो चुका होगा। एक इंडेक्स के मुताबिक वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बलात्कार सीरिया में होते हैं, और ये जानकर आपको शर्म होगी कि हमारा देश 5 साल में सीरिया को पछाड़ दिया। सीरिया जहाँ पर सीधे लोकतंत्र भी नहीं है, हमारे देश में लोकतंत्र है, बड़ी बड़ी बातें होती है, पर हमारा देश आज बलात्कार के मामलों में आगे बढ़ते जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ ये क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने कानून व्यवस्था नहीं रखी है, न्याय व्यवस्था नहीं रखी है। अरे एक को लटकाओ इंडिया गेट के ऊपर, अगले दिन से कौन सा बलात्कार होता है देखता हूँ। अरे एक की सजा देखकर ऐसी सजा दो कि एक उस सजा को देखकर दूसरा कांप जाए और बलात्कार ना करे, दूसरा कांप जाए और कभी बलात्कार ना करे, एक ऐसी सजा ऐसा दंड रखे। आज आप जानिए सऊदी अरेबिया में, नॉर्थ कोरिया में वो बलात्कार क्यों नहीं होता? वहाँ कोई नजर लगाने से भी, एक नजर एक महिला को देखने से भी डरता है, भैया कोड़े पड़ेंगे, सर काट दिया जाएगा। आपने एक नजर देख ली, आपको 100 कोड़े पड़ेंगे वहाँ, और बलात्कार तो सीधा खत्म, खेल ही खत्म। आज हम महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज हम सब कह रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने जो बोला था क्या आज उसका फॉलो किया जा रहा है? उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया था? महिलाओं के लिए सुरक्षित राष्ट्र के निर्माण के लिए उन्होंने अपने पूरे प्राण, अपनी आहुति लगा दी। क्या आज उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जा रहा है? क्या आज उनका बलिदान वेस्ट नहीं हो रहा है? आज प्रियंका रेड्डी जी, कल कोई और, निर्भया के अपराधी 7 साल से छूटे हुए, कुछ हो नहीं रहा हमारे देश में। पता है बलात्कार करना अब इतना आसान हो चुका है कि बलात्कारी को भी पता है मैं बलात्कार करूंगा, बलात्कार करने के बाद उसको भी पता है कि कुछ होने वाला है नहीं, 10-10 साल ट्रायलें चलेंगी, सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चलते रहेगा, डेट पे डेट, और जिसका बलात्कार हुआ है या तो फांसी लगा लेगी या तो फिर वो घर से बाहर नहीं निकल पाएगी। अरे सजा किसको मिल रही है? सजा जिसने बलात्कार किया उसको मिलनी चाहिए, सजा उसको मिल रही जिसका बलात्कार हुआ। ये हमारे देश में आए दिन होता है। आज प्रियंका रेड्डी जी का मामला ऊपर उठकर आया है, और ऐसी कई महिलाओं का मामला ऊपर आया है। आपको बता दूं कि भारत में औसतन हर वर्ष 38,000 से 37,000 बलात्कार होते हैं। ये इंडेक्स लगातार भारत में बढ़ता जा रहा है। 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 38, और इस साल का तो 40,000 के पार बताया गया। क्या वहां आप सबके घर पे महिलाएं नहीं है? हमारी बेटियां नहीं होंगी? हमारी बहनें नहीं है? हमारी माताएं नहीं है? अपनी आने वाली बेटी के लिए क्या भविष्य छोड़ के जाएंगे? एक ऐसा भारत जहां 8 बजे के बाद लड़कियों का निकलना भी यहां पर पाप हो जाएगा, ऐसा भविष्य छोड़ के जाना चाहते हैं? अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी पीढ़ियों को वो भविष्य नहीं देखना पड़े जो आज प्रियंका रेड्डी के साथ हुआ है, वो कल को आपकी पीढ़ी के साथ ना हो, अगर आप ये चाहते हैं तो आज के आज सरकार के ऊपर दबाव बनाइए कि हमें हैंग द रेपिस्ट,
रेपिस्टों को फांसी हो। अगर रेपिस्टों को फांसी नहीं होगी, अरे एक को लटकाओ लाल चौक पर, लाल किले पर, इंडिया गेट पर, अरे अगले दिन कौन बलात्कार करता है देखते हैं। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि हम अपनी बेटियों को बचपन से शिक्षा देते हैं, अपनी बहनों को शिक्षा देते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, ये वगैरह भेजते स्कूल में, भेजते अच्छे स्कूल में भेजते, लेकिन क्या हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपनी बेटियों को कराटे क्लासेस सेल्फ डिफेंस में नहीं भेज सकते? हम बलात्कार की जो मानसिकता है, जो बलात्कार करते हैं उनको तो रोक नहीं पाएंगे, वो लोग तो नीच सोच के होते हैं, नीच प्रजाति होती है, लेकिन हम हमारी बेटियों को इतना सशक्त कर सकते हैं, इतना उनको नारी सशक्तिकरण कर सकते हैं कि वो अपने आप उन बलात्कारियों से लड़ सके। अगर एक उन पर हाथ उठाएगा तो वो 10 को गाड़ के आएंगी 60 फुट नीचे। ये भूलिए मत, ये देश महारानी लक्ष्मीबाई का है, उस झांसी की रानी का जिसकी एक तलवार की वार में 20-20 अंग्रेजी अफसर कट जाया करते थे। मैं चाहता हूं कि हमारे देश की हर एक घर के अंदर एक झांसी की रानी जरूर पैदा हो, और हर हमारे जो लड़के हैं, हमारे जो राष्ट्र के लड़के हैं, उनको ये सिखाया जाए कि एक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे एक योग्य पुरुष की एक जो मानसिकता होती है वो हो। हमारे बचपन से ही हम हमारे लोगों को ये पढ़ाए। अरे आप हम आपको बताएं कि हमारा देश लोकतांत्रिक है। अरे नॉर्थ कोरिया जहाँ लोकतंत्र भी नहीं है, जहाँ तानाशाही चलती है, वहाँ के तानाशाह ने जिसने रेप किया है उसको वहाँ पर सीधा गला काट दिया जाता है। चाइना में गला काट दिया जाता है, हम चाइना को भले ही कितनी गालियाँ देते हैं लेकिन वो सीधा रेपिस्ट का 7 दिन के अंदर गला काट दिया। सऊदी अरेबिया में भी गला काट दिया जाता है। हम इन्हें क्रूर मुल्क कहते हैं, क्रूर राष्ट्र कहते हैं, लेकिन क्या हमारे राष्ट्र में अपराधियों पर भी क्रूरता नहीं बरती जाएगी? क्या मानव अधिकार केवल अपराधियों के होते? क्या मानव अधिकार ऐसी लड़कियों के नहीं होते, ऐसी युवतियों के नहीं होते? हमारे मानव अधिकार नहीं है? बलात्कार किया तो उसे फांसी पर चढ़ाएंगे तो वहां पे पिटीशन निकल जाएंगे कि साइन कीजिए, बलात्कारी बहुत हो गई, उससे गलती, वो जवानी में बैठ गया, ये हो गया, वो हो गया, पिटीशन साइन करके उन बलात्कारियों को बचाने के लिए भी अर्जी डाली जाती है। क्यों आखिर क्यों, और हम क्यों अंडों की तरह सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं कब तक? अगर आज भी आप जानेंगे नहीं तो हर देश के कोने से ऐसी हजारों प्रियंका रेड्डी निकलेंगी। अगर आप रोकना चाहते हैं कि देश के किसी भी कोने में प्रियंका रेड्डी के साथ जैसा व्यवहार हुआ है वैसा व्यवहार किसी के साथ हो, तो आज आवाज उठाइए और हमारे साथ नारा लगाइए, हैज द रेपिस्ट, रेपिस्टों को सीधा टांगो, खत्म करो। रोज रोज हो गया, बहुत सुन लिया, न्यूज पे प्राइम टाइम बन गया, अखबारों में फर्स्ट पेज पर आ गया, फ्रंट पेज की न्यूज बन गई, बहुत हो चुका। ये बार बार करने के लिए हमारे पास सहन शक्ति नहीं है और ना ही इतना व्यर्थ का समय है। सीधा प्रूव हुआ, प्रूव करने के बाद सीधा काटो, खत्म करो, सीधा खत्म करो। ये बातें जस्टिस वगैरह ये सब मैं चाहता हूँ कि ये आज जो कैंडल मार्च हो रही है, ये जो आज लग रहा है, ये मैं चाहता हूँ ये आखिरी हो। हम सब ये चाहते हैं कि आखिरी हो, इसके बाद कोई प्रियंका रेड्डी ऐसी शिकार ना बने। ये किसका देश है? सम्राट अशोक का, चाणक्य का? ये किसका देश है? छत्रपति शिवाजी महाराज का? अरे उनके शासन में जाकर देखो महिलाओं को किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता था। हम छत्रपति शिवाजी महाराज की जय करते, छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्तियां बनाते, लेकिन कभी छत्रपति शिवाजी महाराज की सोच को डालते नहीं? यहाँ सोच रखी कभी छत्रपति शिवाजी महाराज? अरे कोई इस देश का युवक छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा 1% भी बन गया ना, इस देश के 99% बलात्कार उधर समझे। ये जो मेंटालिटी है, मेंटालिटी कहाँ से शुरू होती है? ये जो आप देखो, आप कभी भी देखो, आप कहीं भी जाते हो, कुछ ऐसे युवक होते हैं, कुछ ऐसे असामाजिक तत्व होते हैं जो लड़कियों को ताड़ते हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि आप गलत नहीं हो, आप क्यों चुप बैठते हो? अरे वो गलत है, अरे जाइए स्टैंड लीजिए, एक चपाड़ लगाइए सीधा, उसकी क्या हिम्मत होगी? क्या हिम्मत होगी आपके आगे आके बोलेगा? 15-20 लोग और उसको मारेंगे। हम आवाज़ नहीं उठाते इसलिए हमारी लड़कियों का शोषण हो रहा है। आज हर जगह हमारी लड़कियां शोषित हो रही है। क्यों? क्योंकि हम चुप हैं। ये ताला, ये इस प्रकार से बंद है। गांधी जी के 3 बंदर पता है? आज हमारे देश में वो 3 बंदर हर एक भाग में बटे हैं। आज हम गांधी जी के 3 बंदर के अलावा कुछ नहीं है। अरे छोड़ो, बनो छत्रपति शिवाजी महाराज, सोचो छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह। अरे देखो क्या एक बलात्कार, एक बलात्कार
आज हमारे देश में सेल्फ डिफेंस करवाना, सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत जरूरी होगा। अगर नहीं सिखाया तो इस प्रकार से होता रहेगा। हम अच्छे अच्छे स्कूलों में भेजते हैं, रैन इंटरनेशनल क्या क्या पता नहीं इंटरनेशनल स्कूलों में भेजते हैं, क्या क्या ज्ञान देते हैं, लेकिन क्या सेल्फ डिफेंस का ज्ञान देना जरूरी नहीं है? अगर आज प्रियंका रेड्डी जी सेल्फ डिफेंस जानती, ऐसी और लड़कियां सेल्फ डिफेंस जानती तो रेप में कितनी कमी आ जाती। लेकिन नहीं, हमारे लिए बस समाज में आगे बढ़ना भागना है। सुरक्षा हमारे लिए कुछ भी नहीं, बस कमाओ रोटी खाओ शादी करो और बस इसी कोने में पड़े पड़े मर जाओ। अरे सुरक्षा नाम की कोई चीज़ होती है? सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ होती है? हमारे देश में सिक्योरिटी नहीं है। सरे आम आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में तीन सबसे सस्ती चीज़ें क्या है? तीन सबसे सस्ती चीज़ें, बाकी सब महंगा। एक तो जवानों की जान, और एक किसानों का सम्मान, और एक नारी की जो इज्जत है। किसानों को जो बरोबर दाम मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा, नारी को बरोबर इज्जत नहीं मिल रही है, और किसानों की जान और जो जवानों की जान की रक्षा है वो नहीं हो रही। इन तीनों के अलावा सारी चीज़ हमारे राष्ट्र में नहीं है। अरे डॉक्टर प्रियंका रेड्डी जी पेशे से एक डॉक्टर थी, वो जिंदगी भर जानवरों का इलाज करती थी, लेकिन पता चला कि जानवरों को इलाज की जरूरत नहीं थी, असल में इन इंसानों को, इन मनुष्यों को इलाज की जरूरत है। इलाज की जरूरत हम सबको है, उन लोगों को है जो ऐसी सोच रखते हैं। आज भी कितने इंटरनेट पर यह चीज चल रही है, जस्टिस जस्टिस करके चल रहा है। आज इसे दो वर्गों में बांट दिया गया, कोई इसे सपोर्ट कर रहा है, कोई इसे वो कर रहा है, कोई इसको राजनीतिक रंग में डाल रहा है। अरे शर्म कर लीजिए, शर्म कर लीजिए वो लोग जो इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे, उसको एक मुद्दा बना रहे, इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है कि हमारे देश में क्या किसी बलात्कारी, जो बलात्कारी रहेगा उसको फांसी पर धर्म देख के चढ़ाया जाएगा? क्या धर्म देख कर देखा जाएगा? नहीं, तू हिंदू है, नहीं तू मुसलमान है, तू शरीफ है। अरे जिसने बलात्कार किया वो हिंदू ना होता, ना वो मुसलमान होता, वो केवल शैतान होता है, वो हैवान होता है, उसे दानव कहते हैं, वो इंसान की प्रजाति में नहीं आता। आज ये हो रहा है, आज आप सब सुन रहे हैं। मैं चाहता हूँ आप सब सिर्फ इसे सुने नहीं, आप जहाँ भी जाएं, जिस सोशल मीडिया साइट पे जहाँ आपसे जितना प्रयास होता है, आपकी जितनी हैसियत है, आप सरकार को कहिए कि बहुत हुआ, बस हुआ, अब इस जो भयानक कृत्य है, ये जो बलात्कार है, इसके विरुद्ध फांसी चाहिए ही चाहिए, डेथ पेनल्टी चाहिए ही चाहिए, मृत्यु दंड चाहिए। एक नाम सुनोगा, एक राजा था जिसने हम पर हमला किया था आज से 2000 वर्ष पहले 2 से 3000 वर्ष पहले, सिकंदर अलेक्जेंडर, जिसे बहुत क्रूर माना जाता था, जिसे बहुत चंड माना जाता था, जो लोगों को बहुत घसीट घसीट के मारता था, जहाँ जाता था वहाँ आग लगा देता। लेकिन जानते हो कि उसी सिकंदर के राज्य में जब कोई बलात्कार करता था तो उसे घोड़े के पीछे घसीट कर तब तक घसीटा जाता था जब तक उसकी बॉडी एक घास का लोथड़ा ना पड़ता, इतनी सी ना हो जाती। अरे मैं तो इतना भी नहीं कहता हूँ, मैं तो कहता हूँ कि बस ये जो अपराधी है इन्हें घोड़े के पीछे ये सब मत करो, गला वाला मत काटो, सीधा लटकाओ। ये नहीं कहता हूँ तुम ये करो, तुम वो करो, ये सब करो, बस एक को फांसी पर चढ़ाओ, अगले को सबक मिलेगा और सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारा देश भारत महान है, था और रहेगा, लेकिन भारत के ऊपर ये लाल चरण हम तब तक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसे मानना होगा, हमारे भारत में बलात्कार होते हैं, हर 14 मिनट में बलात्कार होते हैं, इसे रोकना होगा, तब हमारा भारत असल मायने में बनेगा महान। अगर हमने आज नहीं रोका तो बहुत समय हो जाएगा। बस आप सबसे यही चाहता हूं कि आप जितने भी अपने पैमाने पे कर सकते हैं करिए, कोशिश करिए। आज एक प्रियंका रेड्डी है, मैं कभी नहीं चाहता हूं कि कभी आपके घर में, अगर आप चाहते हो आपके घर में कभी ना हो तो मेरी बात को सुनिए, मेरी बात चुभेगी, कड़वी लगेगी आपको। अगर आप चाहते हो कि प्रियंका रेड्डी जी आपके घर में ना आए, आपकी किसी बहन बेटी या फिर आपकी कोई रिश्तेदार उसके ऐसा ना हो, आप आवाज उठाइए, आज चुप नहीं बैठे, बहुत सुन लिया, पता नहीं कौन मोमबत्तियां पकड़ गया हमें, वरना नारी सम्मान में तो रामायण और महाभारत करने की संस्कृति थी हमारी, और आज वही अर्जुन बनना होगा, वही श्रीराम बनना होगा जो हम पहले हुआ करते थे। आज नारी के सम्मान में ये आंतरिक महाभारत लड़ना होगा, और यह महाभारत है विचार का महाभारत लड़ना होगा, विचार का युद्ध लड़ना होगा। आज इस विचार के कुरुक्षेत्र में आज हमें पावन विचार की महाभारत लड़नी होगी, और मैं आप सबसे चाहता हूँ कि अपनी बेटियों को इतना प्रशिक्षित करिए,
इतना उपयुक्त बनाई है कि वो अपनी लड़ाई खुद लड़ सके, क्योंकि ये महाभारत, ये कुरुक्षेत्र तेरा है, ये युद्ध तेरा है, तो अर्जुन भी तू स्वयं है। कोई अर्जुन नहीं आएगा, कोई गोविंद नहीं आएगा, ये कलयुग है, कोई गोविंद नहीं आएगा, कोई अर्जुन नहीं आएगा। चलो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। द्रौपदी अब शस्त्र उठा लो, अब गोविंद नहीं आएंगे। स्वयं शस्त्र उठाओ, स्वयं घात करो। ये देश काली माता का है, ये देश रानी लक्ष्मीबाई का है, ये देश ताराबाई का है। ये देश चुप रहने वालों में से नहीं, अपनी अंदर की महारानी लक्ष्मीबाई को जगाओ। अगर आज नहीं जगी तो बस ये सहते रहो बस। और बस इसी तरह से यही चीज करते रहो। आज मैं बोल रहा हूँ, कल को कोई और बोलेगा, और ये लगातार 100 साल से 200 साल तक चलता है। अगर आप चाहते हैं आगे नाच बढ़े, तो प्लीज इसके खिलाफ आप जितना भी हो सके, प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, जिनको भी आप सोशल मीडिया पे मैसेज कर सकते हैं, करिए। लेटर लिखिए, चिट्ठी लिखिए, कुछ भी करना है करिए। सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे जो करना है करिए, अपनी हैसियत के हिसाब से करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप ये करिए, आप वो करिए, बलात्कारियों को पकड़िए, उन्हें मारिए, आप ऐसा कुछ करिए, ये नहीं कहता हूँ। बस अपने पैमाने पर काम करिए। आज सोशल मीडिया की ताकत कितनी है, कितनी ताकत है आज के ज़माने में। लेकिन ये केवल 4 दिन तक ट्रेंड करता है और बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है। यही तो प्रॉब्लम है। समस्या ये नहीं है कि ये ट्रेंड करता है, समस्या ये है कि बहुत ही कम समय तक ट्रेंड करता है। आज नारी की सुरक्षा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुकी है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे चाहता हूँ कि आप सब आकर यहाँ पर कैंडल जलाइए और फूल अर्पित करिए, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करिए। और आप सबको मैं कहना चाहूँगी, ये केवल बातों को एक कान से सुनकर तो दूसरा कान से मत निकालिए। आज आपने सुना है, अपने घर पे औरों को बोलिए, अपने मित्रों को बोलिए और जागरूक कराइए। और इसी के साथ मैं आप सबसे यही चाहता हूँ कि इस बात को आप अपने दिमाग में डालें। और मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने मेरी बात को इतनी तरह से सुना और इस पर अमल भी करिएगा। मैं आप सबसे बस इतना ही चाहता हूँ, अमल करिए। और अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं आप सबसे यहाँ पर धन्यवाद चाहता हूँ। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भारत माता की जय। धन्यवाद।